करने की क्रिया को अवकलन गुणांक कहते हैं। प्रवक्ता गणित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू, आज का वीडियो में स्वागत है। ये लेक्चर में मैथ्स कोड नंबर 1001 सेमेस्टर स्कीम डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट 2.3 डिफरेंशिएशन ऑफ टी फंक्शन बाय रूट सिंह जीपीसी झुंझुनू। टी फंक्शन का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हमने इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो इसके लिमिट्स के थे, आज डिफरेंशिएशन के ट्रिग्नोमेट्रिक के जो डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल कैलकुलस टॉपिक है 2.3 डिफरेंशिएशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन किसी सतत फलन का एफ एक्स का अवकलन गुणांक ज्ञात करने की क्रिया को अवकलन गुणांक कहते हैं। अब अपने किसी जो फंक्शन एफ एक्स है उसका गुणांक ज्ञात करने की क्रिया को अवकलन गुणांक कहेंगे। यहाँ अर्थात लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई फॉर्म डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये जो है ये इसके डिफरेंशियल कैलकुलस का जो है एक सूत्र है, इसे करेंगे। अब इसके आज डिफरेंशियल कैलकुलस के फार्मूला बताएंगे। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शन, अर्थात इसके जो फार्मूले हैं ये बताएंगे कि डिफरेंशियल इसी फंक्शन का डिफरेंशियल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डी वाई डी एक्स एक्स की पावर एन, यहाँ एक्स की पावर जो एन ये है, इसका जो डिफरेंशिएट किया जो ये जो पावर है ये आगे जाती है और ऊपर पावर में कम हो जाती है, अर्थात एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये जो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन जो ये इसका डिफरेंशिएट आया, ये इसका सूत्र बनाए मतलब एक्स की पावर एन। अब यह एन कोई भी संख्या मतलब हो सकती है। इसी प्रकार डी बाई डी एक्स लॉग ई की पावर एक्स, लॉग ई बेस टू एक्स मतलब लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएट है वन बाई एक्स होता है। फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कोस एक्स, और ये डी बाई डी एक्स कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर, ये इनके जो डिफरेंशिएट है जिसका सूत्र है इनका डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स इजिकल टू सेक एक्स टेन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, फिर नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स ए की पावर एक्स इजिकल टू ए की पावर एक्स लोग एक्स, ये बेस ई है इसके अंदर। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएट है यहाँ ये इसका होता है इजिकल टू वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स इजिकल टू माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का जो लगा वन अपॉन माइनस माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ माइनस का इसमें जैसे कोस इनवर्स में करते हैं माइनस का और यहाँ जो साइन है उसमें प्लस रहता है, इतना इसमें फर्क है। फिर डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स इजिकल टू माइनस वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इजिकल टू वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट इजिकल टू जीरो, इसका मतलब कॉन्स्टेंट का जो अवकलन है वो जीरो होता है। तो अपने ये इसके जो कुछ स्टैंडर्ड जो फार्मूले अपने लिखे हैं बताए हैं इनको अपने को याद रखना होगा और इन्हीं की सहायता से इनके क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं।
अब कुछ इसके हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंशिएशन, इसके कुछ फंडामेंटल भी हैं कि ये तो सिंपल जो ऊपर जो डिफरेंशिएट के जो फार्मूले बताए, ये तो सिंपल इसके फार्मूले हैं, लेकिन कुछ इस डिफरेंशिएट को अलग अलग टाइप के कुछ कोई फंडामेंटल चीजें हैं, उनसे कैसे करेंगे? तो वो है डी बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर सी, सी मीन्स कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो, मतलब कॉन्स्टेंट का अवकलन कभी भी करते हैं तो उसका मान जीरो होगा। डी बाई डी एक्स इंटू में सी एफ एक्स इज इक्वल टू सी, सी बाहर आ जाएगा, सी मीन्स कॉन्स्टेंट, और ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स, मतलब एफ एक्स एक वेरिएबल है, इसका डिफरेंशियल जो है एफ एक्स जो भी है उसका जो ऊपर के जो फार्मूले है उसके भी आप पर अपने इसको सॉल्व करेंगे। फिर थर्ड है डी पॉन डी एक्स यू इंटू वी इज इक्वल टू यू डीवाई डी एक्स वी प्लस वी डीवाई डी एक्स इंटू यू। देखो ये जो किसी दो फंक्शन का अवकलन कैसे किया जाए जो मल्टीप्लीकेशन में हो, तो एक फंक्शन को अपने भार रखेंगे, मतलब उसको भार रख दो जिस और एक के अंदर डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर उसका उल्टा करो, जिसका डिफ्रेंशिएट कर दिया उसको बाहर रखो, जिसका नहीं किया उसको अंदर रखो। तो ये एक तरह का एक फार्मूला बन जाता है, एक चीज को कॉन्स्टेंट रख के एक अवकलन करते जाएंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट डीवाई डी एक्स यू अपॉन वी, ये डिवाइडेड फॉर्म का हो तो उस केस में अपने क्या करेंगे, डीवाई डी एक्स इज इक्वल टू यह वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, देखो ऊपर तो यू है, ये अंश है, वी है क्या हर है, तो पहले हर लिखेंगे फिर अंश का अवकलन माइनस अंश लिखेंगे फिर हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। कहने का मतलब ये जो चीजें हैं ऐसे इसको अपने लिख रहे हैं। तो आज जो अपने ये जो फार्मूले बताए हैं डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन के जो फार्मूले, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंशिएशन, तो इनके जो फार्मूले हैं इन फार्मूले के सहायता से अब कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो देखिए एग्जांपल, एग्जांपल ले रहे हैं कि इफ y इज इक्वल टू x sin x देन फाइंड dy dx। कहने का मतलब है कि अपने पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू x sin x दे रखा है, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, इसका अवकलन क्या होगा? तो अब देखो अपने यहाँ एक फंक्शन x, दूसरा sin x, तो ये किस टाइप का फंक्शन बन रहा है इसको देखने से ये पता पड़ रहा है कि दो फंक्शन है जो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, और मल्टीप्लीकेशन फॉर्म अपने इधर बताया पहले जो उसका यूज करेंगे पीछे। अब जो अब इसी जो y बराबर दे रखा है y इक्वल टू x sin x, तो अब दोनों साइड में क्या लिखेंगे जो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो इसमें सबसे पहले y इक्वल sin x गिवन जो है ये इस तरीके से लिख देंगे, उसके बाद में दोनों साइड में dy dx लगा दो, d upon dx y इज इक्वल टू dy dx x sin x, ये जो है दोनों साइड में क्या लगा है dy dx, dy dx का ही मीनिंग है अवकलन यहां जो। तो अब इसको देखो dy by dx ये ऐसे कैसे रह गया, अब इसका जो अवकलन करेंगे जो पहले बताया दो फंक्शन का जो गुणा के रूप में लिखा हो उसका अवकलन कैसे किया जाए, तो सबसे पहले जो पहला जो कोई वैसे ले सकते हैं कोई भी ले लो, चाहे सेकंड ले लो चाहे फर्स्ट, तो अपने जैसे पहला जो फंक्शन x है उसको बाहर रखो, फिर dy dx, फिर दूसरा जो फंक्शन है sin x, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू x dy dx sin x प्लस sin x dy dx into x। कहने का मतलब ये है या जो है x मतलब ये भार रख दिया, फिर sin x का dy dx कर दिया, प्लस फिर sin x को भार रख दिया, फिर x का कर देंगे dy dx ये। तो नेक्स्ट ये जो आया इसका x इज इक्वल टू x cos x, मतलब sin x का जैसे अपने पीछे जो फार्मूले तो उसका यूज हो रहा है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो ये x cos x प्लस cos x ऐसे लिख दो, x का डिफरेंशिएट
डिवाइड x, जो x जैसे पावर जैसे 1 है तो ये एक एक वही कट गया, जैसे एक ही बन गया, या मतलब उसको x की पावर जो n है उसके हिसाब से करें तो यही आ जाएगा, तो एक बन जाता है, तो sin x, तो ये आया x cos x plus sin x। तो कहने का मतलब जो है कि x का जो डिफ्रेंशिएट किया तो a हो गया, sin x का डिफ्रेंशिएट किया तो cos हो गया, और बाकी ऐसे ही आ जाएंगे, तो x cos x plus sin x, ये इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएट निकालना है, मतलब दे रखा फंक्शन रूट वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, ये रूट के अंदर है, रूट वन माइनस साइन एक्स प्लस वन प्लस साइन एक्स, ये रूट के अंदर है। तो अब ये जो फंक्शन है इसका अवकलन करेंगे, तो सबसे पहले कोशिश ये की जाए कि इसके अंदर जो रूट है रूट हट जाना चाहिए, तो इसको हटाने के लिए एक उसको संयुग्मी से गुणा करेंगे विपरीत चिन्ह से। कहने का मतलब जो नीचे जो चीज लिखा है इसके अंदर, वो वन प्लस साइन एक्स लिखा है, इसी से गुणा और इसी से ही भाग विपरीत चिन्ह से, मतलब नीचे देखो वन प्लस साइन एक्स है तो यहां क्या करें वन माइनस साइन एक्स से गुणा और इसी से डिवाइड वन माइनस साइन एक्स से। तो कैसे लिखेंगे, रूट वन माइनस ये वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स इंटू, अब देखो क्या किया, देखो ये नीचे जो जो चीन है इसके विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई करते हैं यहां, बाकी वैसे कहते हैं वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, इसी से गुणा इसी से बात करते, तो कोई मतलब चेंज नहीं दिख रहा इसके अंदर। इज इक्वल टू, अब देखो यहां लिखेंगे वन माइनस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स, तो वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर को अरे रूट के अंदर है तो इसलिए वन माइनस साइन एक्स आ जाएगा, नीचे रूट में वन माइनस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स, तो वन प्लस साइन एक्स और वन माइनस साइन एक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स रूट के अंदर नीचे हर के अंदर, इजिकल टू वन माइनस साइन एक्स अपॉन रूट कोस स्क्वायर एक्स, देखो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर तो कोस स्क्वायर, इजिकल टू वन माइनस साइन एक्स अपॉन ये जो रूट के अंदर कोस स्क्वायर है कोस एक्स आ जाएगा, इजिकल टू वन अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो ये अपने अभी इसका डिफरेंशिएट किया नहीं, जब तक इस फंक्शन का अपने सिंपल में हो जाए तब तक इसका डिफरेंशिएट नहीं करना। अब और आगे बढ़ रहे हैं, अब आए इसका वन अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो अपने जानते हैं कि वन अपॉन कोस एक्स मतलब वन अपॉन कोस बराबर क्या हो जाएगा सेक एक्स, साइन और ये कोस साइन अपॉन कोस हो जाएगा टेन एक्स, तो वाई इक्वल टू सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ये इससे जो अपने किया ये है। अब देखो ये जो फंक्शन का खाली अपने डिफरेंशिएट नहीं किया, इसको सिंपल किया है, सिंपलीफाई करने के बाद अपने पास ये है, अब नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिवाइड डी एक्स इज इक्वल टू डिवाइड डी एक्स सेक एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू डिवाइड डी एक्स सेक एक्स माइनस डिवाइड डी एक्स टेन एक्स, ये जो डिफरेंशिएट देखो इसके साथ सेक एक्स के साथ लगा दिया और टेन एक्स के साथ लगा दिया, फिर इजिकल टू sec x, अब देखो अपने पीछे जो फार्मूला है sec x का डिफरेंस देखेंगे तो क्या होता है वो होता है sec x tan x, इसका पीछे डिफरेंशिएट और tan x का डिफरेंस होता है sec स्क्वायर x, तो अपने पास क्या है sec x tan x माइनस sec x tan x, मतलब tan x का डिफरेंशिएट किया तो sec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएट किया sec x tan x आया, इजिकल टू sec x इसमें कॉमन देखो इस पूरे के अंदर अपने कॉमन ले सकते हैं साइन ये sec x, तो sec x कॉमन लिया तो ये tan x माइनस sec x, तो ये इसका आंसर बन गया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, cos x डिग्री न कि x डिग्री, ये जो है एग्जांपल नेक्स्ट x डिग्री डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू इसको x के सापेक्ष करेंगे, तो अभी इसको डिग्री को है डिफरेंस करने से पहले इसको रेडियन में चेंज कीजिएगा, तो अपने पास सूत्र है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, अब ये जो है x डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इनटू रेडियन,
अपने जो x डिग्री है जिसको पाई अपॉन 180 x, ये x है, x मतलब x आएगा पाई अपॉन 180 इनटू x, ये x है। देखिए y इज इक्वल टू cos, ये ब्रैकेट के अंदर जो पाई x अपॉन 180, ये वाला जो ऐसे इस जो अपने इसको लिखा कि x डिग्री कैसे लिखा जाता है, ये इसको वैल्यू यहां लिखे। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो डिवाइड dx इज इक्वल टू माइनस साइन, देखो अब यहां जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपने इसको, कोस का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन x, तो यहां जाए माइनस साइन x, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर इनटू मिलाओ, इनटू मिलाने जो अब ब्रैकेट के अंदर है उसका भी करना है, जब तक ये चेन चलती रहेगी जब तक इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं हो जाए। तो पाई अपॉन 180 इनटू x, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने जानते हैं कि x का डिफरेंस 1 हो जाता है, तो ये कोई पाई 180 ऐसे कैसे रह जाए, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो ये पाई अपॉन 180, फिर ये आ जाए पाई अपॉन 180 साइन x डिग्री। अब देखो ये जो चीजें है ये पाई अपॉन 180, इसको वापस अपन क्या लिख देंगे x, ये जैसे ये लिखा तो ये पाई अपॉन साइन x, ये x डिग्री आ जाएगा इसका, ये जो ये पाई अपॉन 180 तो ऐसे लिख दिया, और ये माइनस का माइनस ये लिख दिया, और ये साइन साइन का साइन लिख दिया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है यहाँ इसको x डिग्री, ये इसका आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को देखने के आप लोग धन्यवाद, और कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस किया जा सकता है। ओके।